में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है, जहां दृष्टि को पता चल गया कि उसकी बहन कोई और नहीं दिव्या ही है। लेकिन ये सब पता चला उसी पिशाचनी की वजह से, क्योंकि जब दिव्या उसके पीछे भागती है और वहीं दृष्टि भी आ जाती है, तो दिव्या उससे अपने हाथों से जादू करके रोकने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि तुम मेरी माँ की खूनी हो, तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, देखो मैं आज तुम्हें रोक कर दिखाऊंगी और तुमसे मैं अपनी माँ की मौत का बदला भी लूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरे पापा को तुमने मार दिया, मेरी माँ को तुमने मार दिया और मेरी दी वो तो मुझसे अलग ही हो गई और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो ये सारी बातें सुन लेती है दृष्टि, लेकिन ये सब हुआ कैसे और कैसे पिशाचिनी के पीछे पड़ी थी दिव्या और दृष्टि, चलिए बताते हैं आज का पूरा एपिसोड। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड, जहाँ सीरियल की स्टार्टिंग हुई थी लवण्या से, क्योंकि लवण्या को दिव्या गायब करने की कोशिश कर रही होती है। पहले तो वो उसे अपने हाथों से उठाती है, लेकिन फिर वो हाथों से ना उठाकर उसे अपने शक्ति से उठाकर फेंक देती है दूसरी जगह रूम में और साथ ही उसका गेट बंद कर देती है। और जैसे ही गेट बंद कर रही होती है तभी उसे दिख जाती है हाथ में वो अंगूठी और उसे भी निकाल कर बाहर रख देती है। असल में वो ये सब तब करती है जब उसे करनी होती है रक्षित से शादी, लेकिन अब उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं आता तो उसे ये सब करना पड़ जाता है। और वेल, पिशाचनी ने ही उस लवण्या को किया होता है बेहोश ताकि डी से शादी हो जाए रक्षित की। और बिल्कुल ऐसा ही होता रहता है, बिल्कुल जो पिशाचनी सोचती है बिल्कुल वही होने वाला होता है। अब एक तरफ जहां दृष्टि होती है परेशान कि आखिर वो लॉकेट मैंने किसके पास देखा था, आखिर किसके पास है वो लॉकेट, तो वो सबके रूम में जाकर देखती है। तो सबसे पहले वो चाची के रूम में जाकर देखती है, तो जैसे ही वो गहनों को लेकर खड़ी होती है तभी वहां चाची आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें किसने भेजा है मुझे बताओ, चोरी कर रही हो ना यहाँ पर। तो दृष्टि खुद को बचाने के लिए कहती है कि मैं तो सिर्फ सेलेक्ट कर रही थी कि आप कौन सी ज्वेलरी पहनेंगी, क्योंकि आज तो घर में रक्षित की शादी है ना, तो आपको तो सबसे अच्छा लगना ही चाहिए, तो इसीलिए मैं तो यहाँ आई थी। लेकिन उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है चाची और उसके बाद परेशान हो जाती है दृष्टि कि इनके रूम में भी वो नहीं है, असल में मैंने वो कहाँ देखा था, किसके पास है वो लॉकेट। तो अब एक तरफ जहाँ दृष्टि पहुंच जाती है रक्षित के ही रूम में, दूसरी तरफ रक्षित नहा रहा होता है और वहीं पहले ही पिशाचनी आई होती है और जैसे ही वो टकराती है तो पिशाचनी का वो लॉकेट निकल कर गिर जाता है वहीं कबर्ड के पास और उसके बाद पिशाचनी अंदर अपने रूम में चली जाती है। अब एक तरफ जहाँ दृष्टि वहां पहुंचती है तो वो छुप छुपा कर जा रही होती है, लेकिन फिर भी उसे देख लेता है रक्षित और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी रक्षित कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो दृष्टि, तो दृष्टि कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ किसी काम से आई थी। लेकिन रक्षित समझ जाता है कि ये लड़की हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और पता नहीं क्यों। अब एक तरफ जहां दृष्टि हो जाती है परेशान, वो बहाने मारने लगती है लेकिन फिर भी उसके बहाने किसी काम नहीं आते और जैसे ही वो ढूंढने वाली होती है उस लॉकेट को वो उसे दिख भी जाता है, लेकिन रक्षित उसे उठाने नहीं देता और दृष्टि सोचती है कि लॉकेट इनके रूम में क्या कर रहा है। तभी वो कहती है कि ये आपका है क्या, तभी कह देता है रक्षित अगर इस घर में कोई चीज है, इस रूम में कोई चीज है तो वो मेरी ही होगी ना, ऑफ कोर्स। तो वहां से वो उसे बाहर भेज देता है और कहता है कि तुम यहां से जाओ, अभी मैं रेडी हो रहा हूं। अब एक तरफ जहां दृष्टि परेशान होती है कि कहीं ये उस औरत से मिला हुआ तो नहीं है जिसने मेरी माँ को मारा था, अब एक तरफ जहां दृष्टि परेशान है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उस लॉकेट को उठाकर कैसे लाए, क्योंकि रक्षित ने तो उसे अपने रूम से बाहर निकाल फेंका है। अब एक तरफ जहां शाम हो जाती है तो सब रेडी होना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं दृष्टि सारी जगह पर दिए रख रही होती है और वो बिल्कुल सामने होती है रक्षित के, वहीं रक्षित तैयार हो रहा होता है और उसका छोटा भाई उसके साथ होता है जो कहता है कि तू क्यों लवण्या से शादी कर रहा है, तू तो उससे प्यार भी नहीं करता, तेरी आंखों में साफ साफ दिखता है, ऐसा कर तू इस शादी को तोड़ दे और डी से शादी कर ले, बड़ा मजा आएगा, देख तू तो उससे प्यार भी करता है, देख अभी अभी भी तू उसे ही निहारे जा रहा है, कितनी देर से, पीए नहीं होगी तेरी वाइफ हो गई जैसे। तो अब एक तरफ जहां रक्षित परेशान हो जाता है और कहता है कि तू कम बोला कर, जब देखो तब पचर पचर करता रहता है, तू अपनी सारी गर्लफ्रेंडों को साथ शादी कर लेना, तू उनसे प्यार करता होगा। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी ना उन सबसे शादी करूंगा। अब एक तरफ जहां रक्षित उसे भी अपने रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तू जा और मुझे तैयार होने दे, वरना तू मुझे तैयार भी नहीं होने देगा। अब वो लड़का चला जाता है, उसके बाद घर में सभी तैयार हो जाते हैं और नीचे पंडित जी आ चुके होते हैं जो कहते हैं कि जल्द से जल्द अब शादी का मुहूर्त आ गया है, सारे बच्चों को लेकर आओ ताकि जल्दी से शादी निपट पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ ही मिनटों में शादी नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और रक्षित की जान वो खतरे में पड़ जाएगी। वहीं
रक्षित की माँ बहुत परेशान हो रही होती है। महिमा वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वहीं वो ऊपर जाती है और सोचती है पता नहीं ये लवण्या अच्छी लड़की है भी या नहीं, क्योंकि जो इसके हालात दिख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिसाचनी खुश हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि अब लवण्या उससे तो रक्षित की शादी नहीं होगी लेकिन हाँ डी से जरूर हो जाएगी, क्योंकि हमने तो प्लानिंग ही ये की है। अब वो बहुत खुश होती है तो डांस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वहां पर आ जाती है तैयार होकर दिव्या, और दिव्या को देखकर महिमा कहती है कि तुम यहाँ, लवण्या कहाँ है? तो तभी कह देती है दिव्या कि उसने मुझे कहा था कि दूसरे रूम में जाकर तैयार हो जाओ। मैं वहां जाकर तैयार होने लगी, मुझे नहीं पता अपने ही रूम में होगी। तो वहीं सभी देखते हैं कि लवण्या तो है नहीं, लेकिन जब ऊपर जाकर देखा जाता है तो सच में लवण्या उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि असल में तो दिव्या ने उसे छुपा दिया होता है। और साथ ही उस पिसाचनी को याद आता है कि मेरा तो लॉकेट गायब है, और जैसे तैसे वो इधर उधर ढूंढ रही होती है लेकिन उसका लॉकेट उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो तो रक्षित के रूम में होता है ना। अब दिव्या वो भी परेशान, दृष्टि भी परेशान, और ऊपर से पिसाचनी भी परेशान। जहां दिव्या सोचती है कि अब मैं कैसे इन सबको समझाऊं कि लवण्या को तो मैंने गायब कर दिया, क्योंकि शादी तो मेरी होगी ना, तो उसका क्या काम। अब एक तरफ जहां सभी जाते हैं लवण्या के रूम में उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वहां लवण्या उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो तो अंदर की तरफ बंद होती है। अब जहां दिव्या झूठ झूठ बोलती है कि उसने मुझसे कहा था कि उसे ब्रेक चाहिए, पता नहीं मैंने तो समझा था कि शायद हनीमून के बाद ब्रेक चाहिए, लेकिन अब वो तो यहीं से गायब हो गई। अब चाची कहती है हाँ तुम लोग क्या बोल रहे हो, उसे शायद इस शादी से ही ब्रेक चाहिए होगा, उसे नहीं करनी होगी इसीलिए भाग गई यहाँ से। देखो फिर जैसे ही दिव्या आगे की तरफ जाती है तो उसकी टक्कर बहन से हो जाती है, जो बहन जाकर गिरती है बिल्कुल अंगूठी पर, और अंगूठी को देखकर तो सभी को यकीन हो जाता है कि सच में शायद वो भागकर चली गई है, और तभी तो ये अंगूठी यहाँ पर पड़ी है। तो जैसे ही अंगूठी को देखती है महिमा, वो टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि अगर रक्षित की शादी आज नहीं हुई तो वो मर जाएगा, और ये सोचकर उसका दिल दहल जाता है। और वहीं वो उस अंगूठी को उठाती है और दिव्या से कहती है क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? तो दिव्या वो तो चाह ही रही थी कि शादी अब रक्षित से वो कर ले, तो वो हाँ कर देती है और कहती है कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैंने तो अपने पापा मम्मी को भी बुलाया था लेकिन आप ही लोगों ने मना कर दिया था, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे शादी करूं? तो महिमा कहती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो, क्योंकि अगर उसकी शादी आज नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कहती है दिव्या हाँ हाँ मैं राजी हूँ, मैं ये शादी कर लूंगी। अब एक तरफ जहाँ वो शादी के लिए राजी हो गई है, रक्षित परेशान होता है, वो अपनी माँ को लेकर अपने रूम में जाता है और कहता है माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं तो इस लड़की को एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता और पूरी जिंदगी मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, ये बेवकूफ सी लड़की जो हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, मेरा दिमाग खराब करती रहती है। तो महिमा कहती है कि बेटा मुझे माफ कर, लेकिन कभी कभी माँ बाप को ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जो बच्चों के लिए सही होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भले ही तू इस लड़की से आज प्यार करे या ना करे लेकिन हाँ आगे जाके जरूर प्यार करेगा, और हाँ तेरी जान भी तो मुझे बचानी है वरना तो मैं तुझे कैसे बचाऊंगी। तो अब एक तरफ जहाँ तैयार हो रही होती है दिव्या, तो वहां से दृष्टि जा रही होती है, तो वो दृष्टि को देखकर कहती है तुम इधर आओ, तुम रक्षित की पीओ हो ना, तो अब से तुम मेरी भी पीओ हो, जल्दी से आओ और मुझे रेडी कर दो क्योंकि अब यहाँ कोई है ही नहीं, मैं किससे बोलूं रेडी करने के लिए। तो जहां उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है तो पहले कहती है दृष्टि कि शायद तुम्हारी जगह मैं अपनी बहन को करती तैयार, लेकिन क्या करूं तुम्हें तैयार करना पड़ रहा है। वहीं वो सोचती है फिर कि वो इमोशनल हो जाती है, वहीं दिव्या सोचती है कि अब तुम जाओ मैं खुद कर लूंगी। जहां वो इमोशनल होने के बाद दृष्टि उसे देख लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं चलो मैं रेडी कर देती हूँ, लेकिन फिर दिव्या वो भाव खाने लगती है, दृष्टि उसे डांटती है और फिर उसे तैयार करती है। जहां दोनों बहनों के बीच का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अब दोनों बहनें एक दूसरे को समझने लगी हैं, लेकिन हाँ अभी तो उन्हें नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ वो पिसाचनी ढूंढ रही होती है अपने लॉकेट को, क्योंकि उस लॉकेट के बिना तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां तो उसी लॉकेट में है। अब एक तरफ जहां दिव्या रेडी होकर आ जाती है नीचे, दृष्टि परेशान होती है और वो कहती है सब तुमने ही किया है ना जानबूझकर ताकि तुम ये शादी कर सको। तो दिव्या कहती है हाँ मैंने किया है, तो तुम्हें तो पता ही है, तुम तो अपनी बैठा चुकी हो, फिर क्यों बोल रही हो, तुम भी तो यही करना चाहती थी ना। तो कहती है दृष्टि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करनी किसी से शादी वादी, तुम ही कर लो। तो अब एक तरफ जहाँ लवण्या को भी होश आ जाता है तो ये बात पता चल जाती है उस बिच्छू को, और वो जाकर जल्दी से बचा देता है पिसाचनी को। पिसाचनी अपने लॉकेट को उठाने ही वाली होती है लेकिन नहीं उठा पाती क्योंकि वहाँ वो बिच्छू जो पहुँच गया। अब जहाँ शादी के मंडप में बैठ जाते हैं रक्षित और दिव्या दोनों, तो वहीं दृष्टि मंडप में कुछ सामान रखने के लिए आई होती है तो वो भी रक्षित के पास बैठ जाती है। अब रक्षित वो देखने लगता है दृष्टि को, तो दृष्टि भी देखती है रक्षित को। जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं तो
उन दोनों के बीच का बॉन्ड भी अच्छा लगता है, जहां वो तीनों मंडप में बैठे हुए बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन आखिर रक्षित शादी करेगा किससे, दिव्या से या दृष्टि से, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ पिशाचिनी पहुंच चुकी है अब लावण्या के पास ताकि वो उसे रोक सके, और जैसे ही वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो लावण्या वहां से भागने की कोशिश करती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और ये सारी आवाजें पहुंच जाती हैं नीचे, क्योंकि वो बहुत तेज बोल रही होती है और चिल्ला रही होती है। अब सभी परिवार वाले मंडप से उठकर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, जहां लावण्या वो बुरी तरह से टूट जाती है उसकी आंख देखने के बाद, क्योंकि उस पिशाचिनी की आंख इतनी ज्यादा भयानक है कि कोई भी डर जाए। अब पिशाचिनी वहां से भाग निकलती है, क्योंकि वैसे भी उसके पास उसका लॉकेट नहीं होता, तो अब तो वो बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो वहां से भाग निकलती है। और जैसे ही वहां रक्षित पहुंचता है तो लावण्या रक्षित को सब कुछ बताती है कि वो एक औरत थी जो यहां आई थी। तो पहले तो सभी को लग रहा होता है कि वो डी है, लेकिन वो डी नहीं होती, क्योंकि तभी लावण्या कह देती है कि वो डी नहीं है, वो तो कोई और ही थी, उसकी तो एक आंख फूटी हुई थी, और उसके हाथ में ना एक हीरे की अंगूठी थी जो लटकी हुई थी। अब जहां समझ जाती हैं दिव्या और दृष्टि दोनों की वो औरत कोई और नहीं, वो पिशाचिनी ही थी, वो वही थी जिसने हमारी माँ को मारा था। और वो दोनों जैसे ही ये बात सुनती हैं तो लावण्या कहती है वो उधर की तरफ भाग गई है, उधर की तरफ। तो दोनों बहनें भाग निकलती हैं वहां से, और पहले दृष्टि पहुंच जाती है पिशाचिनी तक और उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं दिव्या भी आ जाती है, लेकिन वो जब तक बाहर आती तब तक वो ऐसी चीज देख लेती है जिसके बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दिव्या वो अपनी शक्तियों से रोक रही होती है उस पिशाचिनी को और जोर से चिल्लाती है कि मुझे पता है कि तू वही है जिसने मेरी माँ को मारा, जिसने मेरे बाबा को मारा, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, और मैं तुझे अब यहाँ से नहीं जाने दूंगी, आज तू नहीं भाग पाएगी, और मुझे भागकर दिखा कि तू कैसे भागती है। वहीं दृष्टि ये सब देखती है तो वो परेशान हो जाती है, जहाँ दिव्या वो बहुत रो रही होती है, चिल्ला रही होती है और कहती है उस पिशाचिनी से कि आज तू नहीं बचेगी और ना ही मैं तुझे कहीं जाने दूंगी। तो दृष्टि ये सब देखकर टूट जाती है, उसे समझ आ जाता है कि मेरी बहन कोई और नहीं दिव्या ही है। अब दिव्या अब एक तरफ जहां दृष्टि को तो पता चल चुका है कि उसकी बहन दिव्या है, लेकिन अभी तक दिव्या को कुछ नहीं पता, वहीं पिशाचिनी उल्टा वार करती है उस दिव्या पर और वहां से भाग निकलती है। अब वो तो चली गई, लेकिन वहीं दृष्टि आने वाले एपिसोड में देखती है अपनी दृष्टि शक्ति से, और उसके बाद वो देखती है कि रक्षित जाएगा जब मंडप में तो वो जाकर दिव्या के पेट में चाकू मार देगा। अब एक तरफ जहां दृष्टि ये देखने के बाद हैरान हो जाती है, तो जहां अब उसकी बहन को तो चाकू लगा है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे दृष्टि सबको रोकेगी। वेल दृष्टि तो कुछ रोक नहीं पाती, पर देख जरूर पाती है, लेकिन हाँ अगर दिव्या को ये पता चला तो जरूर वो खुद को रोक पाएगी। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या आखिर जो भी दृष्टि ने देखा था वो सच था या फिर कोई छलावा। वेल आप लोगों को क्या लगता है, क्या रक्षित सही है कौन सी बहन के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सीरियल से अपडेट रहने के लिए हमें कर ले सब्सक्राइब।